हाय फ्रेंड्स, आई होप यू हैव सीन माय प्रीवियस लेक्चर ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो इन दिस लेक्चर वी विल डील्स विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके पहले मैंने आपको अलग अलग साइंटिस्ट ने बताए हुए क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए थे, जैसे साइंटिस्ट डोबेराइनर का ट्रायड, साइंटिस्ट न्यूलैंड लॉब, ऑक्टेव, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो ये सभी बिट्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तो उसमें हम मैंने आपको बताया था कि जो तीनों भी क्लासिफिकेशन थे हमारे पहले, सबके सब डिपेंडेंट थे एटॉमिक मासेस पर। ओके, तो वो जो क्लासिफिकेशन थे उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे हर क्लासिफिकेशन में। इन सभी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट मोसलेज का पीरियोडिक टेबल हम फॉलो करते हैं। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में साइंटिस्ट हेनरी मोसले ने बताए हुए कुछ भी ड्रॉबैक नहीं रह जाते जो पहले तीन क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक्स थे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बीट है। ये बीट आपको 11th 12th में भी आगे जाकर बहुत काम में आने वाला बीट है। ओके, इसी के ऊपर आपका 11th 12th का जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है स्टडी करना। तो बहुत ही बेसिक नॉलेज पीरियोडिक टेबल का आपको इस सेक्शन में दिया है। ओके, तो इसके पहले भी लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जस्ट एक ओवरलुक बताया था मैंने आपको। इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। तो सीआर, तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ओके, तो इसमें अगर आप देखते हो तो सीआर, इसके पहले ये 4th लेक्चर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर्स आपको बताए थे। ओके, इन तीनों लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। ओके, उन तीनों लेक्चर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर अगर कोई है तो वो आज का ही लेक्चर है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा बेसिक नॉलेज है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल तो ज्यादा से ज्यादा पीरियोडिक टेबल पर ही आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल को हम आज भी फॉलो करते हैं। ओके, पहले जो क्लासिफिकेशन थे उनको हमने रिजेक्ट कर दिया था कुछ ड्रॉबैक की वजह से। अब इसमें कुछ भी ड्रॉबैक नहीं है, इस कारण इसे हम फॉलो करते हैं आज भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, आप पहला बिट क्या दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो नाम है उसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मतलब जैसे आपको पता होगा, आप गेम्स तो खेलते होंगे मोबाइल पर, तो अलग अलग गेम्स के अलग अलग वर्जन्स आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी अगर ऐप हो तो उसके वर्जन्स लॉन्च होते हैं अलग अलग। ओके, अपडेटेड वर्जन्स होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी कुछ ऐसा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन उसमें से जो वर्जन हम फॉलो करते हैं उस वर्जन का नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बिट को, ये आपको एमसीक्यू में आता है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट दिया है, द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नोन एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एटम। ओके, व्हेन मेंडेलियव पुट फोर द पीरियोडिक टेबल। ओके, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एंड एटम्स एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखो, जब मेंडेलियव साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बताया था तो उनका कहना है कि तब एटम्स के बारे में कोई भी साइंटिस्ट डिटेल में कुछ भी जानकारी नहीं था कि एटम्स के अंदर कितने सब पार्टिकल होते हैं। ओके, तो जैसे ही 19th सेंचुरी के स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, बाद में फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सबका हमें जानकारी पूरा डिटेल में मिल गया। ओके, और तब साइंटिस्ट को एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और भी आसान हुआ। ओके, तो इस वजह से जो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मासेस पर था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स इसका डिस्कवरी हो गया, फिर एट द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट नेम इज हेनरी मोसले, इन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि जो भी एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, तो एटॉमिक नंबर ये वाला जो कंसेप्ट है ये बताने वाला साइंटिस्ट का नाम ही हेनरी मोसले है। ओके, तो साइंटिस्ट हेनरी मोसले ने हमें बताया कि एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। एटॉमिक नंबर इज द करस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, क्योंकि पता ही आपको पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी न्यूट्रल एटम के अंदर सेम होते हैं, इस कारण एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, एक ही होता है, वो इक्वली होता है। ओके, तो ये एटॉमिक नंबर को साइंटिस्ट हेनरी मोसले ने अच्छे से स्टडी किया और उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये समझ में आ गया। ओके, सो दिस एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट्स का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके,
तो ऐसा उसने ऑब्जर्व किया आफ्टर द स्टडी ऑफ एटॉमिक नंबर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वॉज स्टेटेड एज फॉलोज. ओके, तो देखो आप, तो उसने उसी स्टडी को एक्सप्लेन करते हुए एक लॉ बताया हमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. ठीक है, तो कोई भी इलेमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के. ऐसा लॉ साइंटिस्ट हेनरी मोस्ले ने हमें बताया और इसी के ऊपर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करते हैं. ओके, तो देखते हैं हम अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. ओके, तो इतने सारे सब इलेमेंट्स इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है. ओके, सो टोटल अगर इलेमेंट्स काउंट करोगे आप तो टोटल आपको 118 ब्लॉक्स नजर आने वाले हैं. ओके, तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने इलेमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? 118. ऑलवेज रिमेंबर दिस नंबर. ओके, तो देखो अब, जैसे आपको पता होगा एट द टाइम ऑफ डोबेराइनर 30 इलेमेंट्स हमें नोन थे. ओके, उसके बाद साइंटिस्ट न्यूलैंड ने जब क्लासिफिकेशन किया तो एट दैट टाइम 56 इलेमेंट्स नोन थे. ओके, जब साइंटिस्ट मेंडेलियू ने क्लासिफिकेशन किया था तो एट दैट टाइम 63 इलेमेंट्स नोन थे. तो ये नंबर हर क्लासिफिकेशन होते वक्त बढ़ता ही जा रहा था. तो ये नंबर फाइनली जाकर कहां पर रुक गया? 118 एलिमेंट्स तक. ओके, तो हमारे टोटल नेचर में, हमारे पूरे मतलब अगर हम देखते हैं तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, उसमें से 92 एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, ये जो 92 वाला एलिमेंट है यूरेनियम, तो यहाँ तक हमारे नेचर में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. इसके आगे एलिमेंट सिर्फ कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आर्टिफिशियली हम इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं. नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करते आफ्टर 92. ओके, तो कोई अगर पूछे आपको कि नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं तो इसका नंबर आप बताइएगा 92. ओके, 92 के आगे 118 के आसपास तक, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट नजर आ रहा है 118 वाला, तो यहाँ तक सभी एलिमेंट 92 से आगे के और 118 तक सभी एलिमेंट जो है नंबर वाइज, तो ये सब आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं और कुछ कंडीशन में लैब में प्रोड्यूस किए जाते हैं. इनका नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. ठीक है, तो बस इतना ये नंबर का फैक्टर है रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो आप, जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर नंबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये कितना कहाँ तक नंबर 18 तक. सो वर्टिकल कॉलम्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज ग्रुप्स. ओके, तो कितने ग्रुप्स बन जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18. सो देयर आर 18 ग्रुप्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, उसके बाद देखो आप, ये जो आपको रोज नजर आ रहे हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, तो ये सेवन हॉरिजॉन्टल रोज जो आपको नजर आ रहे हैं इनको पीरियड्स कहा जाता है. ओके, सो इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड सेवन पीरियड्स इन अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल. तो 18 ग्रुप्स है और सेवन पीरियड्स है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, याद रखी गई से. और ये जो दो पीरियड्स नजर आ रहे हैं आपको, ये थोड़े अलग से लिखे जाते हैं इनको, क्योंकि ये ओरिजिनली इनका पोजिशन कहाँ पर होता है? बिटवीन 57 to 71 यहाँ पर, और बिटवीन 89 to 103 यहाँ पर होता है. मतलब ये इन्हीं पीरियड्स के पार्ट हैं. सिर्फ इन्हें लिखते वक्त अगर हम लिख देंगे तो ये डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम इसे सॉर्ट आउट करके बाहर की ओर लिख देते हैं इन दो रोज को. ओके, इनको लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है. बाद में हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे. सिर्फ यहाँ तक आप इतना ही समझ लो कि ये दो जो सीरीज नजर आ रहे हैं आपको, लैंथेनम सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज, तो ये भी इन्हीं रोज के पार्ट है. तो टोटल कितने रोज हमारे पीरियोडिक टेबल में? 7. इस कारण इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट. तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया सभी को अच्छे से? ठीक है, तो नंबर फैक्टर इतना ही है. अब एक एक करके हमें एक एक ब्लॉक्स को क्लासिफाई करते हुए स्टार्ट करना है. ठीक है, तो देखो अब, ये जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है जिसमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इन सभी एलिमेंट्स को साइंटिस्ट हेनरी मोस्ले ने 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई कर दिया. और इन 4 ब्लॉक्स के नाम है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक और पी ब्लॉक. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो नजर आ रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ, तो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. अच्छे से देखिएगा, ये जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ओके, और ये ग्रुप नंबर सेकंड जो है, सिर्फ ये दो ग्रुप्स का जो एडिशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, और ये जो नजर आ रहा है आपको ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो येलो कलर्स के आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इन सभी को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है,
उसके बाद ये जो नजर आ रहा है आपको ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, ये जो लास्ट तक आपको नजर आ रहा है इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो लास्ट वाले दो रोज नजर आ रहे हैं आपको नीचे दिए गए, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो टोटल कितने ब्लॉक्स है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो टोटल 4 ब्लॉक्स है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो एस ब्लॉक का पोजिशन कहाँ से कहाँ तक बताओ मुझे। ओके, एस ब्लॉक इज स्टार्टेड फ्रॉम ग्रुप नंबर 1st टू ग्रुप नंबर 2nd, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 तक जो ब्लॉक है उसका नाम है डी ब्लॉक। ओके, और ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 जो है उसे कहा जाता है पी ब्लॉक। ओके, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ठीक है, ये रहेगा एस ब्लॉक और ये रहेगा फाइनली एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे हमारे टोटल 4 ब्लॉक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। इसके बाद देखो अब ये जो फर्स्ट ग्रुप नजर आ रहा है आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इस कारण इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ओके, मतलब ये पूरे जो ग्रुप्स है इसमें से कुछ ग्रुप्स को सर्टन नेम्स होते हैं। ओके, नो डाउट ये इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं इन सभी एलिमेंट्स को, लेकिन इनको पर्टिकुलरली और भी कुछ नेम्स दिए जाते हैं कुछ ग्रुप्स को, तो उन ग्रुप्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है इनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब ये सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है बेरिलियम से लेकर रेडियम तक, तो ये सभी जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ओके, ये हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे हमें मिलते हैं, इस कारण इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ओके, और ये जो ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के, सबके सब जो येलो कलर्स में नजर आ रहे हैं इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज लास्ट टू ऑर्बिट्स ऑफ दिस टू एलिमेंट्स आर इनकम्प्लीट, ठीक है, इस कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट्स है लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी इस सीरीज में एलिमेंट्स है इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि इनके लास्ट के 3 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट होते हैं। ओके, तो आप देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट छोड़कर ग्रुप नंबर 1st एंड 2nd टू ग्रुप नंबर 13 टू 17 आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। इनको क्या कहना है? नॉर्मल एलिमेंट्स कहना है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल नहीं होता है जैसे डी ब्लॉक और ए ब्लॉक की सिचुएशन होता है। इस कारण ग्रुप नंबर 1st एंड 2nd एंड ग्रुप नंबर 13 टू 17 कलेक्टिवली दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नॉर्मल होता है, जस्ट हमारे बेसिक नॉलेज से हम कर सकते हैं। लेकिन डी ब्लॉक का और ए ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो थोड़ा अलग होता है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद अच्छे से पार्ट आएगा, तब आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा इसे। ओके, तो इसके बाद देखो आप सीयर, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट बिट की ओर जाना है। अब देखो ब्लॉक्स का तो जानकारी मैंने आपको बता दिया, सभी जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी ब्लॉक्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि किसको क्या नाम दिया जाता है क्या नहीं। एक ब्लॉक रहेगा यहाँ पर जिसको हम स्टडी करते हैं, ये जो 17 ग्रुप्स का 17 नंबर का जो ग्रुप नजर आ रहा है आपको, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, एस्टेटीन, ओके, तो ये वाले ग्रुप को हेलोजन्स कहा जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, लाइक दैट हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स को हम हेलोजन्स कहते हैं, ठीक है। हेलोजन्स कहने का इसका मतलब होता है कि ये जब कभी भी किसी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एट द टाइम ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट को हम ग्रीक वर्ड हेलो से डिनोट करते हैं, इस कारण इन्हें हेलोजन्स कहा जाता है। ओके, याद रखना इनका जो नेचर होता है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन ये नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, तो इतना ही एक ओवरलुक है पूरे पीरियोडिक टेबल का। अब इसमें और भी एक इम्पोर्टेंट बीट है और वो क्या रहेगा देखो अब। ओके, इसके पहले मैं एक स्लाइड को अभी क्लियर करता हूँ, जस्ट वन मिनट। ओके, सिर्फ एक मिनट देखिएगा।
ओके तो सीयर ओके तो नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं हम अब. सुसियर तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और भी कुछ जानकारी है वो अच्छे से समझ लीजिएगा. सभी ब्लॉक्स के बारे में मैंने आपको उनका लोकेशन कहाँ से कहाँ होता है और कुछ स्पेशल ब्लॉक्स को क्या नाम दिए जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया. अब हम इसका कुछ कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का. ओके तो सियर एस ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कलेक्टिवली इन तीनों ब्लॉक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट, फिर से एक बार सुनना, एस ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 1 to, डी ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 3 to 12, एफ ब्लॉक मतलब ये जो सीरीज है बिटवीन 57 to 71 एंड 89 to 103, तो ये दोनों सीरीज के सभी एलिमेंट्स मिलाकर सभी के सभी एलिमेंट्स मेटल से, ठीक है. तो एस ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ऑल द एलिमेंट्स कंटेन मेटल्स ओनली. ओके सिर्फ मेटल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, नॉन मेटल किसी में भी नहीं होता है और ना ही मेटलॉइड होता है. ओके तो पूरे के पूरे मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहाँ पर रहने वाले हैं, पूरे के पूरे नहीं कह सकते हम, मतलब पी ब्लॉक में अगर हम देखते हैं तो मेटल्स भी रहते हैं, नॉन मेटल्स भी रहते हैं और मेटलॉइड्स भी रहते हैं. ओके तो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड रहने वाला सिर्फ अकेला ही एक ही ब्लॉक है जिसका नाम है पी ब्लॉक, ठीक है. पी ब्लॉक के सिवाय किसी में भी नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे से देखिएगा इस लाइन को. ओके ये जो आपको मार्क किया हुआ लाइन नजर आ रहा है ये एक जिगजैग लाइन है पीरियोडिक टेबल का हमारे, ठीक है. तो इस जिगजैग लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है ये सभी नॉन मेटल्स है, इस जिगजैग लाइन के नीचे जितने भी कुछ एलिमेंट्स है ये सभी मेटल्स है. ओके और इस जिगजैग लाइन के ऊपर एग्जैक्टली जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं जो मैंने मार्क किए हैं इस दो लाइन्स के बीच में, ये मेटलॉइड्स है. तो मेटलॉइड्स कितने हमारे पीरियोडिक टेबल में, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलेनियम एंड पोलोनियम, ठीक है. ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में नजर आ रहे एलिमेंट्स है इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है. दे कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, दैट्स व्हाई दे कॉल इट द मेटलॉइड्स. ओके और इस लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन ये सब जो नजर आ रहे हैं आपको इस लाइन के ऊपर के इनको नॉन मेटल्स कहते हैं हम, ठीक है. और ये जो लास्ट वाले ग्रुप है ये इनर्ट गैसेस होते हैं, ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इस कारण इनको एक तो जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट गैसेस कहा जाता है, ठीक है. ये थोड़ा अलग सेक्शन है लेकिन इसके पहले और जिगजैग लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है ये सभी के सभी नॉन मेटल्स है, ठीक है. तो नॉन मेटल्स कितने हमारे पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 12 और ये सब के सब. तो देखते हैं तो हम टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 19 नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो इस जिगजैग लाइन के ऊपर सभी के सभी नॉन मेटल्स है, जिगजैग लाइन के ऊपर ये जो नजर आ रहे हैं आपको ये मेटलॉइड्स है और जिगजैग लाइन के नीचे जितने भी नजर आ रहे हैं आपको ये सब मेटल्स है. तो यही एनोलॉजी बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन अ पीरियोडिक टेबल. ओके तो इसके बाद हम अब एक एक करके एक एक पॉइंट्स की ओर जाते हैं जो हमारे बुक्स में दिए गए. ओके तो वो पॉइंट देखते वक्त फिर से हम पीरियड टेबल को रिपीट करने वाले हैं, अगर कहीं पर लगता है हमें पीरियड टेबल तो फिर से मैं ये स्लाइड पर आ जाऊंगा जिस कारण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं अब ईच एंड एवरी पॉइंट्स को. तो देखो अब पहला पॉइंट दिया है, इन अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. तो पहला पॉइंट तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ है जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, ओके और 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट दिया है, अपार्ट फ्रॉम द 7 रोज़ 2 रोज़ आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल, दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज. ओके और कलेक्टिवली इन दोनों सीरीज को क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक, ठीक है. उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे. There are 118 boxes in the periodic table, including 2 series. It means that there are 118 elements in the modern periodic table. Very recently, formation of few elements was established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled. All the 118 elements are now discovered. तो हमारे पूरे modern periodic table में 118 elements से इतना ही कहना इस point में
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, तो ये तो आप बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एस ब्लॉक कंटेन्स द ग्रुप नंबर 1 एंड 2। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम एस ब्लॉक कहते हैं। लाइक दैट ग्रुप नंबर 13 to 18 को क्या कहा जाता है? ग्रुप नंबर 13 to 18 इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। ओके, लाइक दैट ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12 कंसिस्ट द डी ब्लॉक। ओके, व्हाइल द लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज एट द बॉटम फॉर्म्स द एफ ब्लॉक। ओके, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया, बिकॉज लास्ट टू ऑर्बिट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इनकम्प्लीट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया है अ ज़िगज़ैग लाइन कैन ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द थ्री ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी क्लियरली शोन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ ज़िगज़ैग लाइन। द मेटलॉइड एलिमेंट्स लाय अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ दिस ज़िगज़ैग लाइन। ऑल द मेटल्स लाय ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ज़िगज़ैग लाइन व्हाइल ऑल द नॉन मेटल्स लाय ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ये ज़िगज़ैग लाइन तो मैंने पहले ही बताया आपको, ज़िगज़ैग लाइन के राइट में नॉन मेटल्स है, लेफ्ट में मेटल्स है और ज़िगज़ैग लाइन के ऊपर मेटलॉइड्स है। तो बस इतना ही उनको कहना है। तो इस पूरे स्लाइड में किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो आई होप ये पूरा पॉइंट्स बहुत सिंपल है। इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आपको इतने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं और पॉइंट्स बहुत सारे इसके जितने बनाए उतने कम है पॉइंट्स। ओके, लेकिन याद रखिएगा आप जस्ट कोई भी पॉइंट्स को बताओ उसका कुछ सीक्वेंस नहीं है। ओके, जस्ट आपको जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसमें से जितने याद आए उतने आपको पॉइंट्स बता देने हैं। अगर ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन उसमें एक है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक ही पॉइंट को घुमा फिरा के 3-4 बार लिख देते हैं और बोलते हैं कि मैंने 4 पॉइंट लिखे और सर ने मुझे हाफ ही मार्क दिया। तो आप एक ही पॉइंट आप 4 बार लिखोगे तो कैसे मार्क मिलेंगे आपको? ओके, तो इतना तो भी सामने वालों को बेवकूफ मत बनाओ आप। ओके, आप अगर 6 के 6 पॉइंट्स अलग अलग लिखोगे तो डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, उसमें कुछ भी बोलने का पार्ट नहीं है। ओके, वरना वो हर बार का है होता है सर मैंने तो 4 पॉइंट लिखे थे आपने तो मुझे हाफ ही मार्क दिया, एक ही मार्क दिया। ओके, तो ऐसा कौन बोलता है जो रिपीट करता है एक ही पॉइंट को दोबारा दोबारा लिखता है और बोलते हैं कि मार्क नहीं दिए? ओके, तो मार्क चाहिए आपको तो अलग अलग पॉइंट लिखेगा। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए मैंने, इसके आगे भी और पॉइंट्स आने वाले, उसमें से जो याद आ जाएंगे आपको उन पॉइंट्स को लिखिएगा। ओके, और सीक्वेंस इधर उधर हुआ तो भी चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। जस्ट एक याद रखना, पहले तो ओवरव्यू पॉइंट बताना कि 1118 एलिमेंट से पीरियोडिक टेबल में, बाद में 7 पीरियड से, 18 ग्रुप से, ये वाला पॉइंट बताना, बाद में फिर एक एक ब्लॉक को एक्सप्लेन करना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, उनका पोजिशन बताना कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक है। ओके, और कुछ नाम्स हो उनके स्पेशल तो वो बता देना। बस इतना ही काफी है पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए। तो नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं हम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। इस पॉइंट में उन्होंने बताया विद इन अ पीरियड द नेबरिंग एलिमेंट्स डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज व्हाइल डिस्टेंस एलिमेंट डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, देखो आप, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स के बीच में बहुत माइनर फर्क होता है। जैसे देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 नजर आ रहा है, वही बेरिलियम का आपको 4 नजर आ रहा है। तो इस कारण इन दोनों के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना इसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है। ओके, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे डायरेक्ट ट्रायंगल करके मत लीजिएगा कि सर ने गलत बताया। आप एक जस्ट एग्जांपल के लिए समझ लो कि अगर लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन है, ठीक है, तो बेरिलियम का 310 केल्विन होगा। मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जस्ट स्लाइट डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम लिथियम का अगर 300 केल्विन समझ रहे हैं तो डेफिनेटली इसके आने वाला जो सबसे दूर जाने वाला जो एलिमेंट है फ्लोरीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली 500 या फिर 600 के करीब होगा। मतलब जो दो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में नजदीक है उनके प्रॉपर्टीज में बहुत कम डिफरेंस होता है, और जो दो एलिमेंट्स एक दूसरे के बहुत दूर है उनमें प्रॉपर्टीज का बहुत सारा डिफरेंस होता है, याद रखिएगा इसे। तो यही पॉइंट हमें कह रहा था वो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं हम, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारा पूरा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, ठीक है, तो ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, और
जो भी एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसने एक ही ग्रुप में हेनरी मोस्ले ने उन्हें रखा है। जैसे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सभी फर्स्ट ग्रुप में क्यों है? क्योंकि इनके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस कारण ये फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। इस कारण इन सभी एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होते हैं। तो एटम एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, याद रखिएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इन सभी का वैलेंसी दो होता है क्योंकि इनके लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा वैलेंसी का डेफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज वैलेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी वन होगा क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ग्रुप का वैलेंसी टू होगा क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है, और सभी के सभी एक ही ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स हैं सभी का वैलेंसी सेम होगा। ये फर्स्ट टू लास्ट तक सब ग्रुप्स में वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम फिर से जाते हैं अब उस पॉइंट पर। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट विच डिसाइड द ग्रुप एंड द पीरियड इन विच इज टू बी प्लेस। तो कोई भी एलिमेंट्स को कहाँ पर प्लेस करना है, ये हेनरी मोस्ले ने किसके ऊपर बेस रखा, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जिनके लास्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन्स है उनको उसने एक ही ग्रुप में रखा क्योंकि वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे, ओके। इसी कारण ये पीरियोडिक टेबल इतना परफेक्ट और एक्यूरेट था, ओके। तो ये बीट हो गया। अब नेक्स्ट बीट है ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल दिस एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप वन, दैट इज फैमिली ऑफ अल्कली मेटल्स, इज द सेम। सिमिलरली इफ यू लुक एट द एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी सेम, ओके। तो कोई भी ग्रुप हो उसके पर्टिकुलर ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण वैलेंसी सेम होगा। यही बीट है जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, ओके। तो एक एग्जांपल भी दिया उन्होंने, जैसे एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, बेरिलियम ये वाला है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब तीनों भी क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, ओके। इस कारण उनका क्या कहना है, बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप, दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, सो देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सिमिलरली देर आर सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट सच एज फ्लोरिन, क्लोरिन, द ग्रुप नंबर 17, एंड दैट इज द फैमिली ऑफ हैलोजन, ओके। तो ये जो नजर आ रहा है आपको 17 ग्रुप, ओके, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, ये चारों एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है लास्ट ऑर्बिट में, ओके। क्योंकि ये सभी एक ही ग्रुप में होने के कारण इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम रहता है, और कितना रहेगा यहाँ पर 7, ओके। तो यही कहना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इस पॉइंट का, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, इस कारण हर एक ग्रुप का वैलेंस क्या होता है, सेम होता है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन एनी ग्रुप, एनी वन इलेक्ट्रॉन शेल गेट्स एडेड अप टाइम फ्रॉम दिस, वी से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, हाउएवर एज वी गो डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा अब मैं क्या बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम जाते हैं ना, तो वहां पर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। जैसे देखो पहले ग्रुप में, पहले पीरियड में अगर आप देखते हो, तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट हेलियम है, दोनों भी एलिमेंट्स में क्या कॉमन है, इनके नंबर ऑफ शेल्स सेम है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हो, फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते समय फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, उन दोनों के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एक ही ऑर्बिट आता है जो के शेल होता है। आपको पता होगा के शेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का एबिलिटी क्या होता है, 2 होता है। इस कारण फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी 2 होता है, ओके। लाइक दैट सेकंड ऑर्बिट का आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का एबिलिटी कितना है, 8 है। इस कारण ये देखो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सेकंड पीरियड में आपको कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे, 8, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का। दैट्स व्हाई इन दिस पीरियड ओनली 8 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ओके। अब यही लॉजिक में लगा दूं तो थर्ड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, 18 राइट आंसर है, क्योंकि KLM, M शेल का कैपेसिटी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कितना होता है, 18। आपको ये फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया होगा, फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो रहता है होल्ड करने का, वो अगर निकालना हो तो एट दैट टाइम हम 2n² ये फॉर्मूला यूज करते हैं, n इज द ऑर्बिट नंबर। तो थर्ड ऑर्बिट का अगर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी चाहिए तो वो 2 × 3² दैट इज 18 आ जाएगा। लेकिन थर्ड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे? 8, क्योंकि इसका रीजन ये है कि लास्ट ऑर्बिट में नो डाउट आपको पता होगा ऑक्टेट रूल होता है लास्ट ऑर्बिट के लिए कि मैक्सिमम 80 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होल्ड होते हैं, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो इसी ऑक्टेट रूल के हिसाब से नो डाउट थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स का है, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। इस कारण थर्ड पीरियड में नो डाउट थर्ड शेल का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, लेकिन तभी भी इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं? 8, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाना किसी भी एटम या एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही रीजन इसका, ये रीजन आपको एक्सरसाइज में भी पूछा है, जरूर इसका आंसर लिखिएगा। ओके, और अगर एक पीरियड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल प्रेजेंट होता है, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स प्रेजेंट होते हैं, थर्ड शेल में 3 होते हैं। तो ये कैसे होता है? देखो, आप फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स है क्योंकि के शेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो फर्स्ट इलेमेंट सेकंड इलेमेंट, अब फर्स्ट ऑर्बिट पूरा फिल हो गया, अब कौन सा ऑर्बिट फिल होना स्टार्ट हो जाएगा? सेकंड वाला। इस कारण 2 ऑर्बिट्स होने के कारण ये सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में जो आपको इलेमेंट नजर आ रहा सोडियम, इसके कितने ऑर्बिट्स होने वाले? इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में 3, KLM। ओके, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में है इस वजह से। तो आप अगर जस्ट एक इलेमेंट कौन से पीरियड में, ये भी अगर आपको समझ में आ जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में कितने शेल्स प्रेजेंट रहने वाले, ये भी आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट पीरियड में आपको 2 ही इलेमेंट्स नजर आते हैं। ओके, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्बिट रहेगा इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6 और 7। सो लाइक दैट रहेगा। ओके, सो एट अ पर्टिकुलर पीरियड नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, यही मुझे बताना है आपको। ओके, और उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहने वाले। ओके, तो हम अब नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं। ठीक है, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इफ यू मूव अलॉन्ग द पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन दिस एलिमेंट्स, हाउएवर द नंबर ऑफ शेल इज सेम। ठीक है, अगर हम पीरियड में मूव करते हैं अलॉन्ग तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं। एक पीरियड से हम दूसरे पीरियड अगर मतलब जाते हैं तो एट द टाइम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने वाले, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स सेम रहने वाले। ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड में जो मैंने बिट आपको पहले बताया था। वी ऑल्सो फाइंड दैट वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड एटोमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एट अ टाइम एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1 एट अ टाइम। We can say that the elements with the same number of shells occupied by the electron belong to the same period. Okay. While the electrons in the second period, namely lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, have electron in the two shells in K and L.
सो सीयर तो रिज्यूम करते हैं हम लेक्चर को. सीयर तो यही कहना है उनका पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का. इफ वी मूव अलोंग द पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन दिस एलिमेंट्स. ओके, और उनका क्या कहना है, देखो आप एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ दो ही शेल प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं इस वजह से. ओके, नो डाउट उनका एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा लेकिन नंबर ऑफ शेल का नंबर सेम रहने वाला है. जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2.1, बेरिलियम का है 2.2, बोरॉन का है 2.3, कार्बन का है 2.4, नाइट्रोजन का है 2.5, ऑक्सीजन का है 2.6, क्लोरीन का है 2.7. तो सभी जो एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ शेल का जो नंबर है वो सेम है. यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है. ठीक है, तो जो भी एक सेम पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं, यही उनको कहना है. ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द सेम शेल व्हाइल गोइंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड द न्यू इलेक्ट्रॉन शेल इज स्टार्ट अप फिलिंग अप. ओके, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट थ्री पीरियड्स इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ शेल एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. ओके, तो ये लास्ट पॉइंट है. अब ये लेकर हम यहाँ पर आज के लेक्चर में एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं हम. ओके, देखो अब तो उनका क्या कहना है कि पहले ऑर्बिट यहाँ से फिल होना स्टार्ट हो जाता है. तो पहले ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 होता है, तो 1, यहाँ पर 1 रहेगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन, इसका 2 रहेगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन. और यहाँ से आप क्या होता है, पहले ऑर्बिट का कैपेसिटी खत्म हो गया, अब दूसरा ऑर्बिट फिल होना स्टार्ट हो जाता है. इस कारण ये दूसरा ऑर्बिट कहाँ से फिल होना स्टार्ट होगा, नेक्स्ट पीरियड के स्टार्टिंग से. तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2.1 आएगा, इसका 2.2, इसका 2.3, तो लाइक दैट 2.8 तक जाने वाले हम. अब 2.8 तक आने के बाद दूसरे ऑर्बिट का भी कैपेसिटी खत्म हुआ, अब कौन सा ऑर्बिट स्टार्ट होगा, थर्ड वाला. तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड पीरियड से, 2.8.1, 2.8.2. ओके, तो लाइक दैट हम आने वाले 2.8.8 पर, जो रहेगा आर्गन का. इसके बाद फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है 2.8.8.1, 2.8.8.2. तो ऐसा ये स्टार्ट होते होते लास्ट तक आएगा क्रिप्टॉन तक. तो ऐसा ये आगे चलता रहेगा. ओके, तो जैसे ही नया ऑर्बिट फिल होना स्टार्ट हुआ तो हम न्यू पीरियड में एंटर कर देते हैं, तो यही उनको कहना है. ओके, तो इस पीरियड के सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैलेंसी, एटोमिक साइज और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. ये होने के बाद पूरा हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, आज के लेक्चर में लेना था लेकिन इसमें वक्त ज्यादा चला गया, तो बेटर वे हम नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं. ओके, आज के लिए टास्क कितना ही रहेगा आपको, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया आपको, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को अच्छे से रीड करो और जो भी समझ लो इस पार्ट को, लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है. अगर आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया है तो डेफिनेटली आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा. थोड़ा एक अलग फैक्टर से मैंने आज का लेक्चर लिया है. ठीक है, तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर इस टॉपिक का एंड लेसन रहेगा और एक्सरसाइज भी प्रोबेबली अगले लेक्चर में हमारा हाफ से ज्यादा कवर हो जाएगा. ओके, तो इस वजह से पूरे टॉपिक को अच्छे से रीड करो, रीडेबल टॉपिक है. ओके, और कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके, सो थैंक यू.